कहा है, तुमको ही अपना बनाया है। इतना सब जानते हुए भी तुमने मुझे बहुत सताया है, तुमने मुझे बहुत सताया है। आज हम आप सभी के बीच बात कर रहे हैं 27 वर्षीय उस अभिनेत्री के बारे में जिनकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति के गुजर जाने के बाद सारे गम उनके सिर पर टूट पड़ा, क्योंकि गमों से भरी इस ज़िंदगी में बात कर रहे हैं हम मयूरी देशमुख के बारे में। जी हाँ, मयूरी देशमुख 27 वर्षीय उस अभिनेत्री के बारे में हम बात कर रहे हैं जिन्होंने 3 महीने पहले अपने प्यारे हमसफर को खो दिया। हमेशा हमेशा के लिए चल बसे उनके जीवन साथी आशुतोष भाखरे, जिनके निधन पर खूब रोई, बुरी तरह रोई मयूरी देशमुख। रो पड़ी, उन्हें याद कर इमोशनल हो पड़ी मयूरी देशमुख। हाल ही में उन्होंने इमोशनल होकर अपने पिता पति को याद करते हुए कहा, वो हमारे बीच नहीं है मौजूद, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहेंगे वो मौजूद। गौर हो, मराठी एक्टर आशुतोष भाखरे ने 29 जुलाई की तारीख को हमेशा के लिए अपनी पत्नी का साथ छोड़ दिया। जी हाँ, डिप्रेशन से जूझते हुए उनका निधन हो गया। सुशांत सिंह राजपूत की ही तरह डिप्रेशन से जूझते हुए आशुतोष भाखरे की जिंदगी का हमेशा के लिए अंत हो गया। लेकिन आज आशुतोष भाखरे के निधन को 3 महीना हुआ है और इसके बाद उनकी पत्नी मयूरी खर खर्च के लिए कहें या फिर परिवार को चलाने के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कहें या फिर ज़रूरत कहें, किसी तरह से अपने पति की यादों में खोकर खुद को बर्बाद होने से बचाने के लिए उनकी पत्नी मयूरी देशमुख ने बड़ा कदम उठाया है। मराठी एक्ट्रेस मयूरी देशमुख ने अब पति के जाने के बाद किसी तरह से खुद को संभाल कर इस दर्द में भी काम करने का फैसला लिया है। मयूरी देशमुख आएंगी अब आप सभी को स्टार प्लस के एक शो में नज़र, जिसमें 2 लीड एक्ट्रेसेस और 1 लीड एक्टर होगा। ये लव स्टोरी की कहानी पेश की जाएगी जिसमें लीड भूमिका निभाने वाली है मयूरी देशमुख। किसी तरह से खुद को व्यस्त करके वो इस गम से उभरने का प्रयास कर रही हैं, जिसके लिए वो इस स्थिति में किसी तरह से खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं। मयूरी देशमुख के लिए आसान नहीं है इस वक्त इस सफ़र में पति को खो देने के बाद आगे बढ़ना, लेकिन ये ज़िंदगी है, ये जीना इसी का नाम है। चलते चलना, कभी ना रुकना, यही ज़िंदगी है, जिसकी वजह से आज मयूरी को आगे बढ़ना ही पड़ा है। जी हाँ, मयूरी देशमुख हाल ही में अपने पति को खो देने के गम में जब फिर डूबी नजर आई, अपने पति को याद कर फिर वो रोई, फिर वो तकलीफ में नजर आई। पति को खो देने के गम में डूबी हुई मयूरी देशमुख ने दर्द छलकाते हुए कहा कि उन्हें याद कर सिर्फ और सिर्फ आंखों में आंसू ही आते हैं। कुछ यादें हैं हसीन, जिसकी वजह से चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू होते हैं। मयूरी के लिए अपने पति को भूलना आसान नहीं, नामुमकिन है। जिंदगी भर की उस यादों को समेट कर वो किसी तरह से खुद को आगे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि मयूरी देशमुख, जिन्होंने इससे पहले भी कई सीरियल में काम भी किया है, जी हाँ, उन्होंने कुल्फी कुमार बाजेवाला के अलावा काम किया है शो जादू जिनका, इसमें उन्होंने काम किया है। आज उनके पति के चले जाने के बाद वो जिस गम में हैं, इस गम से उनका उभरना नामुमकिन है, लेकिन एक काम ही है जिसमें वो खुद को व्यस्त रख कर खुद को किसी तरह से संभाल सकती है। शायद यही कारण है कि 3 महीना गुजरा है तो अब वो अपना कदम घर से बाहर निकाल रही है। 4 दीवारी घर का, जहां उनके रहते हुए, पूरे परिवार के रहते हुए हमेशा के लिए आशुतोष चले गए थे,
इसलिए आज आशुतोष को याद कर, अपने पति को याद कर फिर भावुक हुई है मराठी से टीवी की दुनिया में आई एक्ट्रेस मयूरी देशमुख। जी हाँ, मयूरी की आंखें सूजी हुई नजर आई। मयूरी का चेहरा देखिए जरा, कितना सूजा हुआ, कितना ज़्यादा उदासी से भरा नज़र आया। बेरंग चेहरे में मयूरी की आंखों के आंसू भी ख़त्म हो चुके थे रो रो कर, इतने आंसू उन्होंने बहाए। जी हाँ, बताना चाहेंगे हम आपको अपने हस्बैंड आशुतोष, लेट एक्टर आशुतोष के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने पति के साथ अपने बॉन्ड को भूलने से नहीं भुला सकती हैं, लेकिन 29 जुलाई की तारीख उनके लिए हमेशा सबसे मनुष्य तारीख रहेगी, क्योंकि उस दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सच यानी कि उनके पति चले गए, जिन्हें याद कर सिर्फ और सिर्फ आज आंखों में आंसू हैं। देखिए ज़रा ये मयूरी कितनी खुश रहा करती थी जब वो अपने पति के साथ थी, लेकिन पति के जाने के बाद उनकी हालत कैसी है ज़रा देखिए। सिंगार करना चली जा चुकी है उनकी ज़िंदगी से, सिंगार का सुख किस्मत ने उनसे छीन लिया। जी हाँ, सजना सवरना जिन्हें था पसंद, जो खुद को सवार कर रखना किया करती थी पसंद, वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रही है एकदम सादी जिंदगी जो सज धज कर रहती थी। मयूरी देशमुख पति के जाने के बाद जिस गम में है, उस गम से उन्हें निकालना कठिन था, लेकिन परिवार वालों ने किसी तरह सपोर्ट किया, जिसके कारण आज वो इस दुख भरी तकलीफ भरी स्थिति में किसी तरह से खुद को संभाल रही है। खैर, मयूरी देशमुख की करियर की बात कर लेते हैं अब। दर्शकों, मयूरी देशमुख ने टीवी पे भले ही हिंदी सीरियलों में काम किया हो, लेकिन उनकी असली पहचान मराठी इंडस्ट्री से हुई है। मराठी कलाकारों के बीच उन्होंने काम किया था। जी हाँ, मराठी की बात करें तो 31 दिवस फिल्म में उन्होंने काम किया था, जो काफ़ी तारीफ बटोर चुकी है। इसके अलावा कमलाक्षा में काम किया उन्होंने, और भी कई जगह उन्होंने काम किए थे। साल 2011 में अभिनय की शुरुआत उन्होंने की थी, जिसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ती चली गई टीवी की दुनिया और बॉलीवुड की दुनिया की तरफ मेहनत करने के लिए। अब वो आगे निकल रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।